आज लॉकअप में हुआ है खटिया टास्क, जिसमें मुनव्वर आप देख सकते हैं, आजमा, पायल, शिवम की टीम में थे, तो दूसरी तरफ से प्रिंस, अंजलि, साइशा और साथ में पूनम। तो इस टास्क के दौरान दोनों ही टीम्स को दो दो खटिया बनानी थी। अब यहाँ पर एक तरफ प्रिंस हैं जो टास्क इजीली हारने वाले में से नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर और पायल की डेडली कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, मुनव्वर और पायल पिछली कुछ दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे कि हम दोनों साथ में आते हैं, साथ में खेलते हैं, एंड बाय चांस ऐसा ही हुआ कि प्रिंस इस टीम में आ गए और मुनव्वर जो है उस टीम में पहुँच गए हैं। और खटिया वाले टास्क में अमेजिंगली जो टीम जीती है, जिसने लग्जरी आइटम्स जीत लिए हैं, खाने के राशन के आइटम्स जीत लिए हैं, वो है इस बार मुनव्वर, पायल, शिवम और अजमा की टीम। जी हाँ, उन्होंने बढ़िया सी खटिया बनाकर और काफ़ी प्रोटेक्ट करके, मतलब उन्होंने ना सिर्फ खटिया अच्छी बनाई बट उनको प्रोटेक्ट भी काफ़ी करना पड़ा, क्योंकि प्रिंस की टीम उनको डिस्ट्रॉय, उनकी खटिया को डिस्ट्रॉय करने में तुली हुई थी। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने इस टास्क को जीता है, कहीं ना कहीं दिख गया है कि अगर मुनव्वर और पायल का डेडली कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो क्या क्या नहीं हो सकता है लॉकअप में। खैर, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। शिवम की तो खुशी की सीमा नहीं है, क्योंकि उनकी बीवी वापस लौट आई है। जी हाँ, उनको एक मिनी फ्रिज मिली है, साथ ही बहुत सारा लग्जरी आइटम मिला है, जैसे पास्ता, पिज़्ज़ा बनाने का सारा सामान मिला हुआ है। और मुनव्वर तो यहाँ पे खुद पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पिज़्ज़ा बनाना बहुत अच्छे से आता है, तवे पर मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगा। और साथ ही आजमा भी काफ़ी खुश है क्योंकि उन्हें नारियल पानी मिल गया है। और दूसरी तरफ वहाँ पर पायल और मुनव्वर का एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन जिस तरीके से शाइन किया है, वो देखने में बड़ा मज़ा आया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे आने वाले गेम में भी पायल और मुनव्वर इसी तरीके से अपने गेम को कंटिन्यू रखते हैं, साथ साथ में स्ट्रैटेजाइज करते हुए गेम में आगे बढ़ते हैं कि मुनव्वर अपने दोस्तों के पास वापस लौट जाते हैं। हालांकि टास्क के बाद मुनव्वर अपने दोस्तों के साथ ही मिलते जुलते हुए नजर आए और ये बोलते हुए नजर आए कि एक टास्क में कोई दोस्ती नहीं हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का डिस्कशन चल रहा है, लगता है गेम में डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से लिखकर बताइएगा अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार कई सारी खबरें हमें आप तक पहुंचानी है। सो सब्सक्राइब अस।